सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में सॉलिड ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10। एक पंचभुज घनक्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जो अपने पंचभुजाकार पर खड़ी है, जबकि पंचभुज की एक भुजा बाईं ओर XY रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पंचभुज की भुजा 2.5 सेंटीमीटर और घन क्षेत्र की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले XY रेखा लेनी है, से हमारी है एक्स और वाई रेखा है। इसमें हमने यहां से बाईं ओर को 30 डिग्री का कोण हमने बनाना है। ये जो हमारा सर्कल है इसमें ये कोण हमारा 30 डिग्री का है, तो हम यहां से 30 डिग्री ले लेते हैं इस तरह से। हम यहां पे ऐसे रेखा लगा देंगे, इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे डॉटेड, ये हमारी 30 डिग्री की रेखा है इस तरह से। ये हम जो छोड़ेंगे जगह, ये लगभग हम इसको 1 या 1.5 सेंटीमीटर, तो हम 1 सेंटीमीटर ही छोड़े अभी तक, तो हम इसको भी 1 सेंटीमीटर छोड़ते हैं इस तरह से। ये हमने इसको यहाँ से डार कर दिया। अब हमने यहाँ से लेना है ये 2.5 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इतना हमारा है, ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर है, ये हमारी है ए, ये हमारा आया बी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने पंचभुज बनाना है। ये फालतू की हमारी रेखा है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से इस तरह से। मैंने आपको पहले प्रश्न करवाया था, ये आपका प्रश्न नंबर था प्रश्न नंबर 6, उसमें मैंने बताया था कि पंचभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप भी बता सकते। और मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूं, ये आप देख सकते हैं पंचभुज का एक कोण होता है 108 डिग्री का, तो हम यहां से 108 ले लेंगे, तो ये हम काउंट कर सकते हैं यहां पे, ये हमारा है 110, तो ये 109 इस तरह से, ये हमारा 108 डिग्री। तो हमने क्या करना है, इसको मिला देना है इस तरह से, और हम इसको 2.5 सेंटीमीटर ही मिलाएंगे, ज्यादा हम नहीं मिलाएंगे इसको। ये हमारा पॉइंट आ था ना यहाँ पे, तो यहाँ हम इसको मिलाएंगे इस तरह से, 2.5 सेंटीमीटर है। अब हमने यहाँ पे भी बी पॉइंट पे भी हमने 108 डिग्री लेना है इस तरह से। ये हमारा इधर को हम इसको देखेंगे, ये हमारा 100 है, ये 110 है, और ये हमारा 108 सेंटीमीटर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा, यहाँ हम इसको ये 2.5 सेंटीमीटर है हमने यहाँ ले लिया है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रकार खोल सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम जो है वो हल्की से ऐसे चाप लगा सकते हैं इस तरह से, और हम इसको ये और देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे कट रहा है। अब हमने इसको यहाँ पे मिला देना है इस तरह से, और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। अब हम इन पॉइंटों के नाम दे देते हैं, ये हमारा है सी, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा डी, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे ई। ठीक है जी, ये जो हमारा कोण आ रहा है, ये हमारा कोण है 30 डिग्री का। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई पे हमने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं, और वो 90 डिग्री पे ही होते हैं, तो यहाँ से ये हमारा है बी पॉइंट है जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा B है, हम C का भी 90 डिग्री पे पोजीशन ले लेंगे इस तरह से।
और हमने ए का भी प्रोजेक्शन लेना है। इस तरह से अब हमारा आ गया यहाँ पे डी, हमने डी का भी प्रोजेक्शन लेना है। इस तरह से हमारा आ गया है ई, हमने ई का भी प्रोजेक्शन लेना है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आ गया बी यति के साथ है, ये हमारा है सी, ये हमारा है ए, ये है आपका डी, ये आपका है ई। अब हमने क्या करना है, इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से 90 डिग्री पर प्रकार ओ अपना सर्च के रखना है। या हमने फुट्टा भी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, हम फुट्टा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रेखा आ चुकी है यहाँ पे, इसी को हमने आगे बढ़ाना है इस रेखा को, तो इस तरह से हम फुट्टा लगा सकते हैं। अब यहाँ से ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर है, और अगली रेखा है ये आपकी अगली रेखा है सी, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। जो ये आपकी ए रेखा है, ये आपकी डॉटेड आएगी, क्योंकि ये बाकी रेखाओं के पीछे छुप चुकी है, तो इस तरह से हम इसको डॉटेड ही लेंगे 5 सेंटीमीटर इस तरह से। और अब हम लेंगे डी का प्रोजेक्शन सीधा, और ये जो प्रोजेक्शन हमारा आएगा, ये हमारा आएगा डार्क आएगा इस तरह से, और हम लेंगे ई का प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन भी हमारा डार्क आएगा इस तरह से। हम इसको ऊपर से मिला देते हैं यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं, ऊपर भी हम इनके नाम ले देते हैं, ये हमारा रह गया था यहाँ पे। ऊपर जो ये हमारा आएगा, ये आएगा हमारा बी सी ए डी और ई, और ये सभी जो है पॉइंट हमारे यति के साथ आएंगे, और दो दो यति के साथ आएंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर है 10, ये आपका बन के तैयार।